संस्कार ओपन योर वीडियो बेटा। यस यार सर। आपको क्वेश्चन शायद आंसर आप क्वेश्चन आंसर पूछने वाले थे ना सर। हाँ, पर यस क्वेश्चन सर। आंसर जब क्लास में पूछेंगे तो क्लास में ज्यादा ठीक रहेगा पूछने में। ओके आज सर। हम लोग सर नया कल चैप्टर खुलेंगे शुरू करते स्कूल। हैं। हाँ, स्कूल जल्दी खुलेंगे यस बच्चों, ऐसा स्कूल लग रहा है। चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? यहाँ से अगला सर चैप्टर है हमारा मैं ह्यूमन। सर हम सर मैं हाँ, सर अगला क्या है चैप्टर सर है नंदिनी बच्चों ह्यूमन सर नंदिनी रिसोर्सेज। बस बस बस, ठीक है। अगला चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हमें पढ़ना है कि ह्यूमन ऐसा रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे इसकी हिस्ट्री आई, कहाँ से हमने सोचा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स यूज किया जा सकता है। क्लियर? ये ह्यूमन हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। चलिए पढ़ना शुरू करिए। कौन पढ़ेगा? सर शुभ। नंदिनी सर शुभ, नंदिनी सर नंदिनी सर चलो नंदिनी पढ़ो, सर। नन्ही पढ़ो। चैप्टर सिक्स ह्यूमन रिसोर्सेस। पीपल आर अ नेशन नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचुरल बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल एज एंड सेक्स। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। डू यू चलिए, नो द जो ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ये इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको जरा पढ़िए अभी आप। ये जो ये लिखा हुआ है, चार लोग द बातें कर ह्यूमन रहे हैं, रिसोर्स। आंटी अंकल वाले। यस सर। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। एक बच्ची माई बोल रही विलेज है कि देयर आर 500 टेल। चिल्ड्रन इन माई स्कूल। उस लड़की ने कहा उससे कि मेरे पास, मेरे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 500। वहां एक और बच्चा खड़ा है जो कह रहा है कि मेरे स्कूल में कितने लोग हैं, मेरे विलेज में कितने लोग हैं? 1,000। 1,000 पीपल। क्लियर? 1,000 पीपल। 1,000। और आंटी ने पूछा हाउ मेनी था पीपल सबसे डू यू पहले। थिंक बस देयर आर इन द वर्ल्ड। बस, रुको रुको रुको, जो ये खड़ी है मैडम, उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। सब अपने अपने क्लास में बता रहे थे। एक बच्चा बता रहा है देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। एक बच्ची बता रही है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। एक और दूसरा बच्चा जो बता रहा है कि देयर आर 1,000 पीपल इन माई स्कूल या इन माई विलेज। फिर उन्होंने पूछा कि देयर आर हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, कि पूरे की पूरी दुनिया में कितने लोग हो सकते हैं, कितना आप सोच सकते हैं। फिर एक लड़के ने उसका जवाब दिया जो होशियार बच्चा था, कि अराउंड 6.6 बिलियन। मैंने आपको बताया था कि बिलियन से कैसे करते हैं, यस सर। कैसे करते हैं बिलियन को चेंज। सर मिलियन के आगे आता है सर। आपने बताया था सर 1 रुपीज एक इनटू फोर्टी टेन होता है। सेवेंटी याद नहीं है 1 मिलियन में कितना होता याद है सर आपने बताया था है, सर वन बताइए। रुपीज इक्वल सर 75 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन इंटू वो सर 1 मिलियन 10 लाख इक्वल्स सर, टू टेन एक लाख बिलियन में 10 लाख होते हाँ, हैं। एक 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, पर 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 बिलियन वन सर 10 करोड़। सॉरी मिलियन सर। यस सर 10 करोड़। चलिए यहाँ देखिए, डू यू नो पढ़ना शुरू करो, पहला वाला। डू यू नो देखिए द यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट बगल में, ऑफ इधर देखिए, बता रहा इंडिया हूँ। जो 1 मिलियन होता है बच्चों, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। क्लियर है? और वन यस बिलियन सर। में होते हैं 1,000 मिलियन। कितने होते हैं? 1,000 मिलियन। हाँ, अब आप इसको करिए,
कैसे होगा सर कैलकुलेशन? 1000 मिलियन से करिए, 1000 मिलियन इंटू 10 लाख कितना हो जाएगा? कितने करोड़ आ रहे हैं बताइए? दस लाख के बाद 3 जीरो लग गए ना और बच्चों? यस सर, यस जैसे कभी 10,000 लाख आ रहे सर, 10,000 लाख। चलिए इधर देखिए, अब डिटेल पढ़ना शुरू करिए। The government of India has a Ministry of Human Resource Development. The ministry was created in 1985 with the Ministry of Human Resource and Development was established in 1985 with an aim to improve people's skill. यानी जो Ministry of Human Resource and Development है, ये 1985 में बनाई गई थी। इसका मेन एम जो था बनाने का बच्चों, ये था कि ये जानते थे, हमारे जो थिंकर्स होते हैं जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो ये जानते थे कि जो पीपल है वो एज अ रिसोर्स है। समझ में आया? तो उसके अंदर हम लोग कैसे और अच्छी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी स्किल्स को और कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं जिससे उसकी रिसोर्सनेस और बढ़ जाए, इस एम के साथ 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बनाई गई थी। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए। This just shows how important people are as a resource for the country. Do you know, sir? Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was started in 2015 and aiming to train 1 crore Indian youth for 2016 to 2020. The objective of this seems is to encourage aptitude toward employable skill by giving quality training to probable and exiting wage earners. Sir, ho gaya? हाँ, अब आ गया ये distribution of population. तो मैं पढ़ूँ सर? Population. सर मैं पढ़ूँ सर? Sir, 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 across the country surface. सर ज्ञानी. क्या हुआ? Population. सर हम पढ़े. 90% अरे रुक जाओ, भागती चली जा रही है। रुक जाओ, तो जानबूझ के सर चलती जा रही ताकि सर हम लोग शांत हो जाएं। यस सर, कि हम पढ़ ना पाए। यस सर, हम लोग पढ़ ले सर। ऐसे ये लोग भी सर प्लीज। चलो पढ़िए, किसको पढ़ना है? दर्शन पढ़े सर। दर्शन डिस्ट्रीब्यूशन सर, सर मैं पढ़ा था सर, सर मैं नहीं पढ़ा सर कल, सर झूठा है। चलो पहले ज्ञानेन पढ़ेगा फिर सुब पढ़ेगा। ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ इसको अंडरलाइन करिएगा, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब जिस तरीके से लोग पूरी अर्थ में स्प्रेड है, फैले हुए हैं, उसी को कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? Yes, जैसे चित्रकूट में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, तो चित्रकूट में जैसे लोग रह रहे हैं, कुछ कांतानाथ में रह रहे हैं, कुछ उधर रह रहे हैं गंगा जी के पास, कुछ लोग उधर रहते हैं करवी की तरफ, कुछ लोग इधर रहते हैं, तो इसको कहते हैं पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चित्रकूट। क्लियर है? यस सर, यस। चलिए, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are crowded and some are. बस 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 रुको बेटा, रुकते भी जाया करो, तुमसे जो भागते तुम भी चले जाते हो। नहीं रुकता नहीं बिल्कुल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बच्चों कि हमारी जो 90% population है, let's suppose अगर हमारे पास 100 लोग हैं बच्चों, तो 90 लोग जो हैं वो एक छोटे से एरिया में रहते हैं, जबकि बाकी जो परसेंट 10% बचे हैं वो पूरे से भटक रहे हैं इधर उधर। समझ में आ गया? 70% ऑफ द लैंड हमारी ऐसी है जहां पे लोग रह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 30% ऑफ लैंड सरफेस में रहते हैं, बाकी जगह पहाड़ पठार जंगल ये सब चीजें हैं, तो वहां पे लोग नहीं रह पाते हैं। क्लियर है सर? अर्थ का एक बहुत बड़ा एरिया जो है बच्चों, वो तो सिर्फ आइस से ढका हुआ है, अंटार्कटिका और आर्कटिक, वहां तो कोई रह नहीं सकता है।
समझ में आ गया। और ठीक, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है, तो वहां भी लोग नहीं रह सकते हैं ज्यादा। क्लियर है? यस सर। आगे पढ़िए। सम एरियाज आर वेरी क्राउड एंड सम आर स्प्रेडली पॉपुलेटेड। द क्राउड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains, and areas of equatorial forests. Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost three equators, sorry, इसको लिखिएगा, इसको यहाँ पे लिखिएगा बच्चों। The crowded areas are, जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं? North, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे लिखिएगा मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। समझ में आया आपको? इक्वेटर वो लाइन होती है बच्चों जो हमारे पूरे अर्थ को 20 से डिवाइड करती है। यानी अगर हम लोग अर्थ बनाए, देखिए यहाँ पे बोर्ड बोर्ड में सब लोग ध्यान दीजिएगा भी। आप सबको पता है कि हमारी अर्थ थोड़ी सी ऐसी है, ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे प्लेन है, फिर यहाँ से आती है जियोर्ज की तरह, फिर यहाँ थोड़ी सी प्लेन है, ऐसी होती है ना अर्थ थोड़ा सा। सर, सर, आप लोग सर, ओवल होती है, इसका शेप ओवल होता है, ओवल शेप ना। हाँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा समझिए। और सर आपकी वॉइस कट कर रही, कुछ दिख नहीं रहा। क्या कह रहा है सर? आपकी वॉइस बज कर रही है। अच्छा, देखो इसको है, कहते हैं इक्वेटर जो पूरी अर्थ को 20 से डिवाइड करती है। क्लियर? यस सर, यस। और नॉर्थ साइड में होती है एक लाइन जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर, ये इसकी पोजीशन क्या होती है? इसकी पोजीशन होती है बच्चों 0 डिग्री। क्या होती है इसकी? 0 डिग्री। इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी इस तरफ ऊपर की ओर, तो इसको कहते हैं कि हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? नॉर्थ साइड। और जब हम लोग इक्वेटर से इधर नीचे की ओर जाते हैं बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? साउथ साउथ। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर, यस सर। इसको कहते हैं, हमारा इंडिया देखिए यहाँ पे पास पड़ता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, गुजरात से हमारी जाती है ना इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस सर। ये हमारे पूरे जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो नॉर्थ साइड में रहना ज्यादा प्रेफर करती है। देखिए सारे कंट्री यही आएंगे, इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोप, यूएसए, अफ्रीका, कहाँ है? सर आवाज कट कट के आ रही है। चलिए अभी आ रही है ठीक है, सर दूर जाने में सर सही नहीं आती है सर। हाँ, दूर जाने में मुझे लग रहा है ठीक नहीं रहती वो। यस, देखिए मैं ये कह रहा था आपको कि जो हमारी देख पीछे आपको दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड अभी समझिए, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर, बोर्ड में इक्वेटर दिख रही है आपको 20 से। यस सर। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं बच्चों नॉर्थ साइड, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। क्लियर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ना। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और ऊपर होता है नॉर्थ पोल, सबसे ऊपर इसके टॉप पे। यस, नॉर्थ पोल। ठीक, नीचे वाले पार्ट को बच्चे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसके सबसे नीचे होता है साउदर्न पोल। क्लियर सर? साउथ। यस, साउदर्न पोल में यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका होता है, एक बहुत बड़ा लैंड अंटार्कटिका। क्लियर? यस सर। और नॉर्थ के पार्ट में यहाँ पे देखिए आर्कटिक होता है। क्लियर है बच्चों?
यस सर, यस सर। तो जो ये पॉइंट लिखा है बच्चों कि मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब बच्चे इक्वेटर के ऊपर साइड ज्यादातर लोग रहना प्रेफर करते हैं, नीचे साइड रहना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मेनी मोर पीपल वॉन्ट टू लिव वेयर, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए जल्दी से, सर। 60% ऑफ द, सॉरी, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। बस बस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव्स इन द फॉलोइंग 10 कंट्रीज। सिर्फ 10 देशों में पूरे विश्व के 60% लोग रहते हैं। सोचिए आप, सिर्फ 10 देशों में, कितनी बड़ी बात है। क्लियर? यानी हमारा जो पॉपुलेशन है, रहने का तरीका बहुत अनइवन है। आप अपने से एग्जांपल देखिए, आपका एक सोसाइटी होगी, अगर सोसाइटी में आप अपने एग्जांपल देखें तो सोसाइटी में एक ऐसा घर होगा जिसमें एक घर में 10 बच्चे होंगे, 4 माँ बाप होंगे, 4 माँ बाप के भाई बहन होंगे, फिर बाबा जी दादी होंगे, यानी उस पूरे घर में कम से कम 20 लोग रहते होंगे। वहीं आप एक और ऐसा घर देखेंगे जहां पे सिर्फ माँ बाप बच्चे 3-4-5 लोग रहते होंगे, एक छोटी फैमिली होगी। तो देखिए दोनों, इन दोनों में ही कितना डिफरेंस है। एक जगह 20 लोग एक घर में घुसे हुए हैं, एक जगह 4-5 लोग एक घर में रह रहे हैं। क्लियर? यानी फैमिली का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनइवन है। आपको अपने मोहल्ले में ही देखने को मिल जाएगा। कभी जाइएगा एक दिन, रफ लेके लिखिएगा सबके घर में कितने कितने लोग हैं, उसका ग्राफ चार्ट बना के लाइएगा अभी घर में बैठे हुए। क्लियर है? घर में 6 लोग। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला जो देखिए कि ग्राफ बना हुआ है ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। देखिए जितने भी येलो पीपल है बच्चों, इसमें वो ये दिखा रहे हैं कि ये सब कहाँ रहते हैं, एशिया में। एशिया एक कॉन्टिनेंट है बच्चों, जो इसको इंडिया को, चाइना को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इनके मिला के बनता है। क्लियर है? तो देखिए एशिया में कितने सारे लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा तो मुझको एशिया में ही दिख रहे हैं हमारे, और 70% दिख रहे हैं। क्लियर? और देखिए जो हल्का सा ये ऑरेंज टाइप का कलर है, ये वाला बच्चों, ये वाले बच्चे कहाँ रहते हैं, ये सब रहते हैं यूरोप में, यूरोप वाले भी कुछ लोग हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए और कम लोग आते हैं कहाँ, अफ्रीका में, जो ये हैं सब, ये देखिए अफ्रीका वाले दिख रहे हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं कुछ लोग जो अमेरिका में रहते हैं, ये देखिए अमेरिका के सिर्फ ये 4 लोग आगे खड़े हैं, इधर 4 ये खड़े हैं। अफ्रीका के यूरोप से ज्यादा है? हाँ तो अफ्रीका ना, अफ्रीका में ज्यादा लोग रहते हैं, काले काले देखे नहीं हो तुम, वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, कितने भूखे बेचारे रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं वहाँ, इतने अमीर नहीं है, इतना विकसित नहीं है अफ्रीका, तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। क्लियर है? एजुकेशन नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्लियर है बच्चों? यस सर। और देखिए एक लोग जो है ये कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिर्फ अकेले आदमी। अकेले आदमी का मतलब ये नहीं कि यही 100 लोग है, आप इससे आइडिया समझ सकते हैं। हाँ, आप इससे आइडिया समझ सकते हैं कि 1% है, ये 4% है, ये 8% है, ये 15% है, ये 20, ये मान लो ये भी 15-20% है, बाकी सब पूरा क्या है, एशिया है। क्लियर है? यस सर। चलिए तो फिर आगे की क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे बच्चों। आगे अब कहाँ तक हो गया आज? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से पढ़ना है। हाँ, लेकिन सर वो चीज पहले कंप्लीट कर दें, ये पढ़ेंगे, ये जो 10 पॉपुलेशन की कंट्रीज हैं इसमें आपको पढ़ना है, इंडिया में कितनी है, यूएसए में कितनी है, चाइना में कितना है, इस सब का, ठीक है, सबको याद करना है। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लीजिए, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लीजिए कि सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें है, फिर उसके बाद किसमें, फिर उसके बाद किसमें, फिर उसके बाद किसमें। क्लियर है? यस सर। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों कल आपसे, नेक्स्ट क्लास में अपनी डेंसिटी शुरू करेंगे। क्लियर? सर हाँ, किसकी नोटबुक? सर इसका फिगर सर नोटबुक में बना ले सर, ये वाला कंट्रीज वाला। हाँ, हाँ, इसको इसको बना लीजिएगा, सेंसस वाला, ये अच्छा फिगर है बच्चों नोटबुक के लिए। क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों।